डिफरेंट टाइप ऑफ ओसीडी आज इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय जैन, साइकियाट्रिस्ट, जैन न्यूरो साइकियाट्रिक एंड डी एडिक्शन क्लिनिक जयपुर में एज ए कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट काम करता हूं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ओसीडी के बारे में बात की थी, इस वीडियो में मैं आपको ओसीडी के जो डिफरेंट थॉट्स होते हैं उसके बारे में बात करूंगा। जो सबसे कॉमन टाइप होता है वो होता है कंटामिनेशन, मीन्स ओसीडी के अंदर जो थॉट्स आते हैं वो कंटामिनेशन के थॉट्स आते हैं। जैसे कि चीजें साफ नहीं है, गंदी हो गई है, हाथ साफ नहीं है, या फिर घर साफ नहीं है, या गंदगी लेके कोई घर में आ रहा है, ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं। ये विचार बिल्कुल इरेशनल होते हैं, सेंसलेस होते हैं, और इंसान जो इस चीज से सफर कर रहा होता है उसे ये पता भी होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है क्योंकि ये विचार बार 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 उसके दिमाग में आ रहे होते हैं। और इन विचारों की वजह से होने वाली घबराहट और बेचैनी को कम करने के लिए वो साफ सफाई में लग जाता है। सबसे कॉमन जो होता है उसमें इंसान अपने हाथों को धोना शुरू कर देता है, वो धोता रहता है, उसमें 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लगा देता है, उसके साबुन की टिकिया खत्म कर देता है, लेकिन उसके बावजूद उसको ये सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि उसके हाथ साफ हुए हैं, इस वजह से उसमें वो समय बर्बाद करता रहता है। ये बहुत ही कॉमन टाइप है ओसीडी का, जिसकी वजह से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। इसी तरह से इंसान कई बार उसको अपने शरीर को लेके भी गंदगी महसूस होती है, वो जब नहाने जाता है तो उसमें आधा घंटा एक घंटा लगा देता है, पूरी पानी की टंकी खत्म कर देता है, साबुन की पूरी टिकिया खत्म कर देता है, तब भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि उसकी सफाई पूरी तरह से हुई है, और इस वजह से वो बहुत सारा समय उसके अंदर बर्बाद कर देता है। इसी तरह से जो इस बीमारी से सफर कर रहे होते हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका बेड साफ नहीं है, उनकी बेडशीट में अगर छोटी सी भी सल आ जाती है तो वो उसको वापस से क्लीन करते हैं, वापस से उसको साफ करते हैं, और बिल्कुल पर्टिकुलर तरीके से, बिल्कुल मेटिकुलसली उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। अगर कोई बच्चा या कोई घर का दूसरा मेंबर जाके उसको हल्का सा भी छेड़ देता है तो गुस्सा करने लग जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और वापस से जाके उसको ठीक करते हैं। वो किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पा रहे होते हैं, उनका पूरा ध्यान साफ सफाई में ही रहता है। अगर वो घर की सफाई कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, पोछा लगाने के बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, दोबारा पोछा लगाते हैं, तो दिन में 10 15 20 बार तक पोछा लगाते रहते हैं। अगर वो घर से बाहर जाते हैं तो वो बाकी सब लोगों से दूर दूर से बच बच के चल रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कहीं गंदगी मुझे टच नहीं कर जाए, कोई दूसरा इंसान आके मेरे को टच नहीं कर दे और मैं कहीं गंदा नहीं हो जाऊँ। इन सब विचारों की वजह से वो सारे दिन उसके साफ सफाई में लगा रहता है और बाकी जीवन की जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो नहीं कर पा रहा होता है, वो सारी एक्टिविटीज उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि ये विचार बिल्कुल इरेशनल होते हैं और उस इंसान को ये पता भी होता है कि इन विचारों का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं हकीकत में कि साफ नहीं हुआ है, लेकिन इन विचारों की रिपीटेडनेस की वजह से और ये बार बार आते हैं, घबराहट पैदा करते हैं, बेचैनी पैदा करते हैं, तो इंसान इनके बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है और उनको घबराहट को कम करने के लिए साफ सफाई करता रहता है, और कुछ कुछ लोगों में तो सुसाइड के थॉट्स भी आने लग जाते हैं। ये ओसीडी का एक टाइप है। अब मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको ओसीडी का दूसरा टाइप बताऊंगा।